हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सी केज की बोन्स और जॉइंट्स वाला चैप्टर जो कि वॉल्यूम नंबर वन का चैप्टर नंबर थर्टीन है सो so, इस चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी बोन्स पढ़ा चुका हूं और जितनी भी बोन्स थोड़ा केज में पार्टिसिपेट करती हैं जिसमें फ्रंट में देर इज एन स्टार्डम साइड से रिब्स निकलती हैं और ये रिब्स पोस्टीरियरली जाके अटैच होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से सो वी हैव ऑल दीज इन डिफरेंट वीडियो आपको स्टारनम की अलग वीडियो बता दिए रिब्स बता दिए हैं और वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर भी हम पढ़ चुके हैं तो आज हम बात करेंगे कि ये जो सारी बोन्स हैं ये कौन कौन से ज्वाइंट्स से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं ऑब्वियसली जब बोन्स होंगी तो

उनका जनरल प्रिंसिपल है कि जो जॉइंट का नाम होता है बेसिकली इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वो आपको बताता है कि वो किन-किन बोन्स के दरमियान जॉइंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जॉइंट किस पर्टिकुलर बोन्स के दरमियान है किन बोन्स के दरमियान है और उस जॉइंट की कैटेगरी उसके टाइप क्या है ठीक है सो इसका नाम है मैनिबριο स्टर्नल जॉइंट मैनिबριο मतलब इसमें मैनिबरियम

तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में फर्क पड़ सकता है सो दिस इज अ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट मेन्यूब्रियम और स्टर्नम के दरमियान में है प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बिल्कुल इमूवेबल होता है लेकिन सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में मूवमेंट पॉसिबल है ठीक है

जा रही हैं इनके दरमियान जो ये पोस्टीरियर जॉइंट बनेगा दैट इज कॉल्ड कॉस्टो वर्टिब्रल यानी रिब और वर्टिब्री के दरमियान का जॉइंट और ये बनता है बेसिकली बिटवीन द हेड ऑफ द रिब जो टिपिकल रिब का हेड है इट आर्टिकुलेट्स दो तरह से ये आर्टिकुलेट करता है इट आर्टिकुलेट्स विद इट्स ओन वर्टिब्री एंड ऑल्सो विद बॉडी ऑफ द नेक्स्ट हायर वर्टिब्री यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं रिब नंबर फोर सो ये इसका हेड होगा यहां पर रिब नंबर फोर का और ये जाके अटैच होगा विदिब्री नंबर फोर थोरास वर्टिब्री नंबर फोर तो इट अटैचेज विद इट्स ओन वर्टिब्री एंड इट ऑल्सो अटैचेज विदर वर्टिब्री दिस इज वॉट इज रिटिन है और ये बात आपको समझनी है ठीक है सो इट अटैचेज विद इट्स Next higher vertebrae, और ये T3 के साथ भी जो अटैचमेंट है लॉट ऑफ लिगमेंट्स ठीक है आपको एक अलग डायग्राम पे दिखा रहा हूँ uh, ये लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल सोमेंट आर एक्सप्लेन है सो

टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दस्टोवर्टिब्रल ज्वाइंट रेडिएट लिगामेंट ठीक है अच्छा फिर अगेन अगर हटा दू तो अंदर से कुछ इस तरह नजर आएगा दिस इज द रेब और यह अपर वर्टिब्री थोड़ और lower thoracic दोनों के साथ मिल रहा है और बीच में एक ज्वाइंट के अंदर ligament है, जो इस पूरी ज्वाइंट कैविटी को अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड करेगा सो दिस समिंग लिखा भी है कि लिगमेंट विच ज कॉल्ड इंटर आर्टिकुलर लिगामेंट जॉइंट के अंदर है इसलिए इंटर आर्टिकुलर दिस लिगामेंट इज अटैच टू द रेज ऑफ द हेड एंड टू द इंटरवर्टिबल डिस्क इफ यू अगेन लुक एट द डायग्राम सो so, ये देखें हेड पे अटैच है और फिर इंटरवर्टिबल डिस्क पे अटैच है सो so, ये आपको अटैचमेंट इसकी याद रखनी है अच्छा फिर इसके अलावा ट्राई रेडिएट लिगामेंट मैंने आपको दिखा दिया जिसकी एक अपर स्लिप होती है लोअर स्लिप होती है और एक इंटरमीडिएट मिडिल स्लिप होती है तो इन तमाम ज्वाइंट्स का बेसिकली पर्पज ये है कि जो अटैचमेंट हो रही है इस जगह पर हेड ऑफ द रेब और थोड़ा सी इसको कंप्लीटली कवर करें और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें सो कॉस्टो वर्टिबल ज्वाइंट आपको याद रखना है नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द ज्वाइंट इज द कॉस्टो ट्रांसफर्स ज्वाइंट नाम में है देखें इट इज कॉस्टो ट्रांसफर्स इट विल बी बिटवीन द रेब एंड द ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्री ठीक है ना वर्टिब्री का जो ट्रांसफर्स प्रोसेस है वो इसमें इन्वॉल्व होगा सो द ट्यूबरकल ऑफ अ टिपिकल रेब हमने जब रिप का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि देर इज ये अगर स्टर्नम है स्टर्नम से जो रिप निकल रही है सो so रिप का ये एंटीरियर पोर्शन है पोस्टीरियर पोर्शन पे देर इज अ हेड दर इज अ नेक एंड इज अ ट्यूबरकल ठीक है सो जो ट्यूबरकल ऑफ द रिब होता है इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रांसफर्स प्रोसेस

कैटेगरी क्या है पता होना चाहिए देन इज दी कॉस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट किन बोन्स के दरमियान होता है एंड देन इज दी कॉस्टो ट्रांसफर्स जॉइंट्स कौन कौन से लिगामेंट्स इन्वॉल्व हैं और किन बोन्स के दरमियान होता है दैट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ जॉइंट इन दोरेसिक केज इज द कॉस्टोकॉन्ड्रल ना कॉस्टो का मतलब है रेब और कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज

कॉन्ड्रो स्टर्नल जॉइंट अच्छा कोंड्रो स्टर्नल जॉइंट की स्टोरी ये है कि इट इज बिटवीन द कोंड्रोसाइट एंड यानी कि कार्टिलेज एंड द स्टर्नम मैंने आपको बार-बार ये बात समझाई है कि एंटीरियरली थोड़ा सी केज में देर इज अ स्टर्नम व्हिच इज प्रेजेंट इन द मिडलाइन अच्छा पोस्टीरियरली देर इज वर्टीब्रल बॉडीज इन वर्टीब्रल बॉडीज से रिब्स निकल के आती हैं आगे यहां एक कार्टिलेज होता है जिसके साथ ये एक ज्वाइंट बनाती है और वो कार्टिलेज अटैच होता है स्टर्नम पर सो so कार्टिलेज और स्टर्नम के बीच में जो ये वाला ज्वाइंट होगा दैट ज्वाइंट इज कॉल्ड कॉन्ड्रो एस्टर्नल ज्वाइंट ठीक है जो पहला कॉन्ड्रो स्टर्नल ज्वाइंट है दैट इज प्राइमरी कार्टिलेजिनस उसमें कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है लेकिन उसके बाद जो सेकेंड से लेकर सेवेंथ तक यानी कि जो टिपिकल रिब्स हैं सेकेंड टू सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज आर्टिकलेज स्टर्नम बाय द साइनोवियल ज्वाइंट यानी यहां पर मूवमेंट पॉसिबल होगी ठीक है Then. इंटरकॉन्ड्रल कॉन्ड्रल ज्वाइंट क्या चीज है हमने ये डिस्कस किया था कि जो रेब नंबर लोअर रिब नंबर और यहां पर फ्रॉम टू टू सेवन और उसके बाद रिब नंबर एट है रिब नंबर नाइन है रिब नंबर टेन है इलेवन और ट्वेल्व तो फ्लोटिंग रिब्स हैं ये सारी जो रिब्स हैं इनके कार्टिलेजिस आपस में मिलकर कॉस्टल मार्जिन बनाते हैं ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की है तो इन कार्टिलेजिस

बॉडी में जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि वर्टिब्री उसके नीचे दूसरी वर्डिब्री है टोटल कितनी वर्डिब्री होती है थर्टी थ्री वर्डिब्री होती है तो कनेक्टेड ज्वाइनिंग वर्डिब्री अदर एट थ्री पॉइंट्स तीन जगह जहां ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट बनाते हैं एक तो देर इज अम ज्वाइंट बिटवीन द वर्टिप्रल बॉडी एक वर्टिप्रल बॉडी और दूसरी वर्टिपल बॉडी के बीच में यहां पे एक ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी सो दिस इज वन जंक्शन बिटवीन द वर्टिब्री एक ये है दूसरा देर मीडियन ज्वाइंट के बाद है देर आर टू ज्वाइंट वन ऑन द राइट साइड एंड वन ऑन द लेफ्ट साइड बिटवीन द आर्टिकुलर प्रोसेसिस जो आर्टिकुलर प्रोसेस हैं वर्टिब्री की वो भी आपस में ज्वाइंट बनाते हैं ताकि तमाम जो वर्टिब्री है ये एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग

उसमें से एक पोजीशन है इन दोनों वर्टी के बीच में दिस बीच वाली थिंग इज नोन एज इंटरवर्टिप्रल डेस्क और ये इंटरवर्टिपल डिस्क जो है इट इज अ फाइब्रोकारटलेजनस डेस्क देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली शॉक एब्ज़ॉर्बर है आप में से जो लोग गाड़ियाँ थोड़ा सा समझते हैं जानते हैं या बाइक्स वगैरह ऑटोमोबाइल्स जो लोग थोड़ा सा समझते हैं उनको पता है कि शॉक एब्ज़ॉर्बर क्या चीज़ होती है यानी जब रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो घड़े हैं क्या क्या नहीं है तो वो गाड़ी ऊपर नीचे ऊपर सस्पेंशन सारी ख़राब होने के लिए गाड़ी में इस तरह के शॉक एब्ज़ॉर्बर होते हैं ताकि गाड़ी के स्ट्रक्चर्स को बहुत ज़्यादा शॉक ना लगे ऐसे आपकी बॉडी इतना सारा वेट उठा के चल रही है सम ऑफ यू आर सेवेंटी के सम

इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के मैंने आपको बताया कि सेंटर में जो मटेरियल है उसका नाम है न्यूक्लियस पल्पोसस और साइट पर जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एन्यूलस फाइब्रोसस ठीक है तो ये तमाम चीज आपको याद रखनी है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के हवाले से इन द सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस पल्पोसस दिस इज द सेंट्रल पार्ट एंड इट इज द शॉक एब्जॉर्बर इट इज हाईली इलास्टिक एन्यूलस फाइब्रोसस इज इन द पेरिफेरी साइट पे होता है तो साइट पे एन्यूलस फाइब्रोसस होगा बीच में न्यूक्लियस पल्पोसस होगा ये बातें आपको याद रखनी है और मैंने आपको डिस्क हर्निएशन भी बताई थी कि लेटरल अगर ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये एनुलस फाइब्रोसिस को क्रॉस करके बाहर आ जाए तो बाहर अगर कोई नर्व पड़ी हुई है तो वो नर्व कंप्रेस होगी दिस इज कॉल्ड हर्निएशन ऑफ द डिस्क ओके ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है नया इस ये जो पूरी डिस्क है ये जो फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क है इसका काम क्या है इट इज इट इट ऑब्वियसली गिव शेप टू द वटिबल कॉलम बट द मेन थिंग इज इट इज द शॉक एब्जॉर्बर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए जो आपके लंबार रीजन हैं उन लंबार रीजन में इसका रोल मजीद बढ़ जाता है क्योंकि वेट आपका नीचे ट्रांसफर होता है लोअर लेम्स में ओके सो दे आर इंपॉर्टेंट शॉक एब्जॉर्बर नेचर ने क्या ब्यूटिफुली आपको डिजाइन किया है यार एक वर्डिबरी इधर है दूसरी वर्डिब्री इधर है इन वर्डिब्री के बीच में शॉक एब्जॉर्बर रख दिया आई सो लव इट आपको भी अपनी बॉडी को अप्रीशिएट करना चाहिए दैट यू हैव बिन मेड इन अफुल ब्यूटीफुल वे ओके जो आपके मैंने आपको बताया कि वर्डिब्री है वो तीन पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ ज्वाइंट

लिगामेंट और इंटर ट्रांसफर्स लेगेमेंट होता है जो ट्रांसफर्स प्रोसेस के दरमियान होता है अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट कि तमाम वर्टिब्री जो ज्वाइंट बना रहे हैं उनको आपस में लपेट के रखना है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रखना है

को जो लिगामेंट uh, ज्वाइन करता है दैट्स कॉल्ड लिगामेंटम फ्लेवम ठीक है दैट हैज अ वेरी वेरी हाईली इलास्टिक टिश्यू इसीलिए इट आल्सो अपीयर्स अ लिटिल येलो व्हेन यू सी इट इन ग्रॉस एनाटॉमी अच्छा अब ये जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ कि इसमें 33 थ्री वर्टिब्री हैं वो वर्टिब्री के बीच में इंटर वर्टिबल डिस्क है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वर्टिबल कॉलम है उसमें उसमें देर इज़ लिटिल मूवमेंट पॉसिबल अच्छा डिपेंडिंग अपॉन वॉट रीजन आर वी टॉकिंग अबाउट तो मूवमेंट वेरी कर सकती है फॉर एग्जाम्पल रोटेशन की मूवमेंट फ्लैक्शन एक्सटेंशन लेटरल फ्लैक्शन ये सारी मूवमेंट आपके वर्टिबल कॉलम के एक पार्ट में बहुत ईजीली होती हैं और वो कौन सा पार्ट है आपके वर्टिबल कॉलम

री मोबाइल थोरासिक वर्टिब्री बट स्टिल क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है लंबा तो रीजन में ठीक है सर्वाइकल रीजन तो खैर बहुत ही ज्यादा मोबाइल है तो यह बात आपको बता होनी चाहिए मूवमेंट कि का क्वांटम क्या है सो दबाउट द डिफरेंट ज्वाइंट विच आर प्रेजेंट इन दब आखिरी हेडिंग है इस चैप्टर की जो हम डिस्कस करेंगे जिसमें जो रेस्पिरेशन की मूवमेंट्स हैं उन मूवमेंट्स का बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे कि उन मूवमेंट्स में कैसे मसल्स मूव करते हैं रिब्स कैसे मूव करती हैं और उस पूरे पूरे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के मैकेनिजम्स का बेसिक फिजिक्स क्या है थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं अच्छा बॉस ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले एक मैं आपको एक डायग्राम रफ सी बना के ना एक बेसिक चीज समझाने की कोशिश करता हूं देखो आ, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है बट एनीवेज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूं कि दिस इज दी मिडलाइन स्ट्रक्चर स्टर्नम एंटीरियर साइड पे फिर आपकी यू रिब्स निकल रही हैं और ये रिब्स जाके ऐसे अटैच हो रही हैं ठीक है सो ये बेसिकली आपको बोनी केज जो आपका है और उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको अवेलेबल है आपको ये बात समझ में आती है हमने सारी वीडियोज दिस इज बेसिकली

अगर ये एक्सपेंड होती है यानी ये वॉल इस इस डायरेक्शन में यहाँ मूव करती है यह इस डायरेक्शन में यहाँ मूव करती है या नीचे की तरफ सो so, ये तमाम जो मूवमेंट्स मैं बता रहा हूँ इस मूवमेंट से होगा क्या इस मूवमेंट से होगा ये कि अंदर जितना भी एरिया है उसका साइज़ बढ़ेगा या कम होगा साइज़ बढ़ेगा सो इफ़ यू इंक्रीज द एरिया इन उससे ये होगा कि आपके लंग्स को एक्सपेंड होने में हेल्प मिलेगी सो so, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लंग्स एक्सपेंड होते हैं इंस्पायरेशन में और जब ये तमाम बॉडी वॉल जो है वापस अपनी अपनी पोजिशन पर जाएगी

एब्डोमेन को जो सेपरेट कर रहा है ये क्या चीज है बेसिकली एब्डोमेन uh, ये नीचे का एरिया और ये थोरैक्स ऊपर का एरिया और ये जो सेपरेटिंग लाइन है ये लाइन कहलाएगी डायफ्राम ये बात हम कई दफा कर चुके हैं कि जो डायफ्राम है इट सेपरेटस द थोरैक्स फ्रॉम द एब्डोमेन डायफ्राम नीचे जाएगा

The transverse diameter. So, this is the transverse diameter. Transverse diameter will increase if the ribs move in the lateral direction. Vertical diameter will increase if the diaphragm moves in the downward direction. So, transverse.

ट्रांसफर्स डायमी uh, और तीसरा आपको याद रखना है ए पी डाटर डायमी मूवमेंट ऑफ स्टॉन ट्रांसफर्स डायमी कैसे चेंज होगा विद द मूवमेंट ऑफ रेब्स एंड वट अबाउट दर्टिकल डायामीटर इट चेंजेस विद द मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम सो ये अगर आपको बेसिक चीज याद हैं तो अब ये सारा टेक्स समझ में आएगा स्टार्ट करते हैं आइए लंग्स एक्सपेंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड रिट्रैक्ट ज्यूरिंग एक्सपायरेशन बात हम कर चुके है। हैं इंस्पायरेशन में लंग्स फैलते हैं एक्सपायरे में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मूवमेंट ओके दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट और जैसे ही थोरेसिकविटी का साइज बढ़ता है नेगेटिव प्रेशर इज क्रिएटेड इन साइड विथ सक्स एयर इन टू द लंगस और लंग्स एक्सपैंड

सब्सटैशियल मूवमेंट होगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन है प्रिंसिपल पार्ट पार्ट तो है ठीक है हमारे फॉलो करती है नाउ द एंटीरियर एंड ऑफ द रेब इज लोअर एंड देर फॉर ड्यूरिंग एलिवेशन ऑफ द रेब द एंटीरियर एंड ऑल्सो मूव द

वॉट बेसिकली हैपन्स के थॉरिक्स का एंटीरोपोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है अब मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ दैट्स द पम्प हैंडल इफेक्ट सो इमेजिन के ये एक वाटर पम्प है वॉटर पंप होता है ना पुराने जमाने में होता था पंप हैंडल यूं ऊपर नीचे करके यहाँ से पानी आता था ये तो आप पता नहीं पहले हमारे घर में कभी होता भी होगा बचपन में अभी तो नहीं मैंने कहीं देखा है इसको सो दिस इज नाउ गॉन रेडूमेंट्री अब नहीं नजर आता आप लोगों के पास है कहीं किसी के घर पर लगा हुआ है गाँव गांव में आई डोंट थिंक सो बट एनी जैसे ही आप ये पंप ऊपर कर रहे हैं तो ये पंप ऊपर मूव हो रहा है और ये जो डायमीटर पहले पंप यहां पर मौजूद था पंप ऊपर भी गया फॉरवर्ड भी गया है सो ये डायामीटर जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इसको अप्लाई करो अपनी रिप्स पर सो ये आपका वर्टिपल कॉलम है और ये आपकी रिब है सो दिस इज बेसिकली द हैंडल और ये आपकी स्टार्नम है तो जैसे ही रेस्पायरेशन में मसल्स मूव करते हैं और आपकी रिब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो आपका जो स्टर्नम है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ओवरऑल इफेक्ट इसका ये होता है कि देयर इज इंक्रीज इन द स्टर्नम जब फॉरवर्ड मूव करेगी तो ये पूरा एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है कैसे मुझे पता लगा क्योंकि स्टर्नम हमेशा इंटीरियर पार्ट पे होगी और वर्टिप्रल कॉलम हमेशा पोस्टीरियर पार्ट पे होगा तो जैसे ही ये आप पंप हैंडल की तरह मूवमेंट होगी आपके रिब केज में रिब्स ऊपर को मूव करेंगी स्टर्नम फॉरवर्ड मूव करेगी तो आपका एपी डायामीटर जो है पोस्टीरियर एंटीरोटर वो इंक्रीज हो जाएगा सो so यही सारी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है और इस तरह की मूवमेंट होती है प्रीडोमिनेंटली इन द दर्टिप्रो स्टर्नल रिब्स यानी कि जो टिपिकल रिब्स हैं अच्छा फिर द मिडल ऑफ द शेड ऑफ द रिव लाइज एट द लोअर एंड ये जो सारी बात है इसकी समरी है बकेट हैंडल मूवमेंट अब ये जो बकेट हैंडल मूवमेंट है दैट बेसिकली मीन्स के जैसे बाल्टी होती है ना बकेट घर में इसमें अगर पानी भरा हुआ सारा दिस इज ऑल फिल्ड विद वाटर और या बकेट उठाएं ऊपर जब आप बकेट को जैसे ही उठाएंगे तो इसका जो डायामीटर है वो इंक्रीज होगा आप देखेंगे कि बकेट जो है वो इस तरह से फैल रही है कि दोनों साइड्स पे थोड़ी थोड़ी सी वो डायमीटर उसका इंक्रीज हो जाएगा दैट इज कॉल्ड द बकेट हैंडल इफेक्ट ठीक है अब ये सारी बातें आपको इसलिए पढ़ाई जा रही हैं एक पिस्टन इफेक्ट भी यहाँ पे इन्होंने देखें पिस्टन इफेक्ट पिस्टन इफेक्ट का मतलब ये है दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल ये पिस्टन दिखाया इन्होंने कि अगर पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये ऊपर का ऑब्वियसली डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा इसको अप्लाई करो थोरेक्स पे ये आपका थोरेसिक एरिया है यह आपका एबडोमिनल एरिया है और ये आपका डायफ्राम है तो जब रेस्पायरेशन में डायफ्राम नीचे मूव करेगा तो ये पूरा एरिया आपका जिसको हमने नाम दिया था वर्टिकल डायामीटर ये वर्टिकल डायामीटर इंक्रीज हो जाएगा तो इसे कहते हैं पिस्टन इफेक्ट सो आपको पिस्टन इफेक्ट पता होना चाहिए क्या क्या होता है पिस्टन इफेक्ट पिस्टन इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम आपको ये पता होना चाहिए कि वॉट इज द पंप हैंडल इफेक्ट पंप हैंडल इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्टर्नम एंड रेप ठीक है तो ये पंप हैंडल इफेक्ट है और आपको हर इफेक्ट से कौन सा डायमीटर चेंज होगा ये भी पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल जो पिस्टन इफेक्ट है उससे आपका वर्टिकल डायामीटर चेंज होगा जो पंप हैंडल इफेक्ट है उससे आपका ए पी डायामी चेंज होगा और ये जो हमने बकेट हैंडल मूवमेंट था बकेट हैंडल से ये वाला डायमीटर चेंज हो रहा है इस डायामीटर का नाम क्या था ट्रांसफर्स डायामीटर देखो सारी स्टोरी वही चल रही है जो मैंने स्टार्ट में आपको ये तीन डायामीटर समझाए थे वर्टिकल डायामीटर डायफ्राम की वजह से ट्रांसफर्स डायमीटर मीटर रिप्स की मूवमेंट की वजह से और अब मैंने आपको ये भी चीज़ समझा दी कि ये इफेक्ट कहलाता है बकेट हैंडल इफेक्ट ठीक है और जो ए पी डायमीटर चेंज हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्टर्नम एंड दिस इज वॉट इज ऑल्सो नोन एज द पम्प हैंडल इफेक्ट तो ये आपको फैंसी फैंसी नाम है एक एक चीज स्लो स्लो इसलिए समझा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप एग्जामिनर के सामने फखर से बता सकेंगे जी हम तो डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के साथ अटैच हैं ये चीज़ें हमारे बाएँ हाथ का खेल है, है कि नहीं राइट right. अब इसकी पूरी समरी पढ़ते हैं मैंने आपको तीन डायमीटर समझाए थे एंटेरोपोस्टि डायमीटर ट्रांसफर्स डायामीटर और वर्टिकल डायामी ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंटीरो है वो आ, आ, उसका इफेक्ट इफेक्ट का नाम मैंने क्या समझाया था आपको पंप हैंडल और वो सेकेंड टू सिक्स में देखा जाता है और जो ट्रांसफर्स डायामी है वो बकेट हैंडल है वो वर्टिप्रोकॉन्ड्रल रिप्स की वजह से होता है और वर्टिप्रो कॉन्ड्रल ड्रिप्स का मतलब ये है कि रिब नंबर एट नाइन टेन जो जो पीछे वर्टिप्रल कॉलम पे अटैच होती हैं और आगे एक दूसरे के कार्टिलेजिस के साथ अटैच होती हैं ठीक है सो ट हैंडल इज फॉर ट्रांसफर्स डायामीटर पंप हैंडल इज फॉर एंटी ये सब समझा चुका हूं अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को स्टॉप करें रिवाइंड करके दोबारा देखिए ठीक है, है और वर्टिकल डायमीटर का पिस्टन इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया जब डायफ्राम नीचे मूव करेगा तो वर्टिकल डायामीटर बढ़ेगा दैट इज ऑल इज समिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ठीक अच्छा अब यहाँ एक लाइन लिखी है ये बड़ी मजदार लाइन है इन फीमेल द रेस्पायरेशन इज थोरेको एबडोम एंड इन मेल्स इट इज एबडोम बस इस बात को समझ लें ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि यार ये बताओ थोरेको एबडोमिनल रेस्परेशन होती क्या है आसान है इसको याद रखना ये कोई मुश्किल काम नहीं है अभी आपको इसी करके समझाता हूं देखिये थोरेको एबडोमिनल है ना पहले क्या लिखा हुआ है नंबर वन पे थॉरेक्स नंबर टू पे क्या लिखा हुआ है एबडोमिन यानी ये रेस्पिरेशन की जो टाइप है इसमें मेन जो कंट्रीब्यूशन है रेस्पिरेशन की वो फ्रॉम द थॉरक्स होगी और एब्डोमेन कंट्रीब्यूट करेगा यानी एबडोमिन के मसल्स कंट्रीब्यूट करेंगे लेकिन थोड़ा सा कम यानी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन थॉरिक्स से और कम कॉन्ट्रीब्यूशन एबडोमिन से अब एबडोमिनो पे आ जाओ इसमें उल्टा है इसमें एबडोमिन के मसल्स की कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी और थॉरक्स के मसल्स की कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगी अब फीमेल्स में देर इज थॉरको एबडोमिनल रेस्परेशन यानी थॉरक्स ज्यादा इन्वॉल्व होता है और मेल्स में एबडोमिन ज्यादा इन्वॉल्व होता है इसका एक रीजन भी है रीजन ये कि देखो तो फीमेल्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है क्या दे हैव टू डिलीवर द बेबीज उनको फीमेल हैव द कैपेसिटी टू यू नो जनरेट द न्यू बॉर्न यूट्रस साइज बढ़ता है प्रेगनेंसी में एपडोमिन के अंदर बहुत ज्यादातर एपडोमिन का जो पार्ट है वो डिस्टेंडेड एक्सटेंडेड यूट्रस से फिल हो जाता है तो अगर एपडोमिन पूरे तरीके से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफकोर्स फिल हो जाएगा डिस्टेंडेड uh, यूट्रस से तो मुझे बताओ एबडोम से वो मसल्स यूज करके रेस्पेरेशन कैसे करेंगे इसीलिए नेचर ने फीमेल्स में मेन पार्ट रेस्परेशन का दिया है थॉरक्स को मेल्स में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसलिए एबडोमिन को ये मेन पार्ट दिया है तो ये बेसिक डिफ्रेंसिस हैं जो आपको पता होने चाहिए थॉरको एबडोमिनल और एबडोमिनोथोरेसिक टाइप ऑफ रेस्परेशन में और इनका रीजन एवरीथिंग इन द बॉडी इज यूजली फॉर अ वेरी ऑब्वियस रीजन कुछ चीजें हमें समझ में आ जाती हैं कुछ नहीं समझ में आती है. अच्छा जी अब कौन कौन से मसल यूज होते हैं रेस्पायरेशन में इंस्पायरेशन में मेन मसल जो है वो आपका डायफ्राम है ऑब्वियसली एक्सटर्नल इंटरकॉस्ट्रल इंटर कॉन्ट्रल पार्ट ऑफ द इंटरनल इंटरकॉस्टल एक तो है क्वाइट इंस्पिरेशन जब आप नॉर्मल आराम से बैठे बैठे अपने सोफे में कमरे में घर पे बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में और सांस ले रहे हैं सो दैट टाइप ऑफ इंस्पिरेशन 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 इज कॉल्ड क्वाइट क्वाइट इस में आपकी uh, जो थोड़ा सी कैविटी का पूरा डायमीटर है वो इंक्रीज हो रहा है वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो रहा है प्राइमरी बाय द डायफ्राम मूवमेंट ट्रांसफर्स डायमीटर इंक्रीज हो रहा है बाय एलिवेशन ऑफ द रिब्स एंड स्टर्नम और एंटीरोपोस्टिड डायमीटर सॉरी इंक्रीज हो रहा है बाय द स्टर्नम एंड द रिब्स और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल इंटरनल इंटरकॉस्टल और डायफ्राम लेकिन फिर एक स्टेज होती है जब आपसे फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर रहे हैं डीप इंस्पिरेशन आपको ज्यादा सांस लेनी होती है इंस्पिरेशन ज्यादा तेजी से करनी होती है तो उसमें फिर क्वाइट इंस्पिरेशन तो हो ही रही होती है बट अब उसकी स्पीड बढ़ जाती है और मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं फॉर है Excalini आपको बताया था ना के ऊपर लग रहे होते हैं तो जब स्कैलिनी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिप है पूरे का पूरा ऊपर उठता है जिसकी वजह से आपका थोड़ा सी कैविटी का साइज और बढ़ता है इसी तरह स्टर्नोक्ट्राइड भी कॉन्ट्रैक्ट होता है सो ऑल दीज थिंग्स एडिशनल मसल्स आर यूज इफ यू वॉन्ट टू डू डीप इंस्पायरेशन फिर एक होती है फोर्स इंस्पायरेशन यानी बहुत तेजी से अब आप सांस ले रहे हैं तो तमाम ये जो मूवमेंट्स ऊपर अभी हमने बताई बताए

तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैठे बैठे इंस्पायरेशन कौन से मसल्स डीप इंस्पायरेशन कौन से मसल्स और फोर्स इंस्पायरेशन कौन से मसल्स सब इंपॉर्टेंट है अच्छा एक्सपायरेशन अगर बैठे बैठे क्वाइट एक्सपायरेशन हो रही है सो तो इट्स अ पैसिव फिनोमिना सिंपली आपका जो चेस्ट वॉल है वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है बाय द रिकोआइल और कोई स्पेशल मसल्स यूज नहीं हो रहे होते लेकिन अगर डीप और फोर्स एक्सपायरेशन करनी है किसी को तो एबडोमल मसल्स यूज होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं डायफ्राम को वापस ऊपर पुश करते हैं

डायफ्राम जो है ना डायफ्राम की ये डायग्राम थोड़ी इंपॉर्टेंट है देखें डायफ्राम की डिफरेंट पोजीशंस हैं स्टैंडिंग पोजीशन सिटिंग पोजीशन और लाइंग uh, पोजीशन <laughs> जिसको अक्सर हमारे जो ट्रेनिंग वाले लोग हैं वो कहते हैं जी लेटी पोजीशन लाइंग पोजीशन ओके द पेशेंट इज लाइंग ऑन हिज बैक तो डायफ्राम इस लेवल पर होता है स्टैंडिंग पोजिशन में इस लेवल पर होता है सिटिंग पोजिशन पर इस एल्बो लेवल पर होगा सबसे ज्यादा नीचे डायफ्राम होता है इन द सिटिंग पोजिशन इसीलिए जब पेशेंट को सांस लेने में दुशारी होती है

में क्या है बैठी पोजिशन में क्या है और लेटी पोजिशन में क्या है ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए आ, रेस्पारेशन के दो फेजिस पे हमने ऑलरेडी बात की है और एक्सपायरेशन सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना आ, ये हम बात कर चुके हैं इन विमेन of advanced stage of pregnancy the descent of diaphragm is obviously limited diaphragm nahi move kar sakta na kyunki niche uterus hai isliye females mein thoracic type of respiration zyada hai yani wo apne respiratory muscles thorax region ke zyada use karti hain as compared to the abdominal muscles isi tarah young children jo hain up to the age of 2 years unki jo thoracic cavity hai it is almost circular jiska matlab ye hai ki usme jo anterior posterior diameter hai aur transverse diameter hai wo almost ek से होते हैं और फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन चिल्ड्रन में भी मेल्स की तरह देर इज एबडोम टाइप ऑफ रेस्पायरेशन सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल बातें थी फैक्ट्स टू रिमेंबर में यहाँ निमोनिक्स दिए हुए बट आई एम नॉट अ निमोनिक गाय आई एम अ बिग पिक्चर गाय निमोनिक्स के लिए याद रखने के लिए आपको मजीद निमोनिक्स याद करने पड़ते हैं सो so, निमोनिक्स के निमोनिक्स के निमोनिक्स कितने याद करोगे यार कि इसका मतलब क्या था उसका मतलब क्या था सो so, मैं निमोनिक्स भी नहीं पढ़ता मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं, हूं ताकि वो चीज समझ में आए ओके okay? यहाँ जो फैक्ट्स हैं ये सारे हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे क्विक रिव्यू है कुछ फैक्ट्स का फॉर एग्जाम्पल स्टर्नम जो है ज्वाइंट्स बनाता है अपने ही पार्ट के साथ मेन्यो स्टर्नल ज्वाइंट है मेन्यब्रियम और स्टर्नमें ये पढ़ चुके हैं यार सारी So, इसमें मैं अभी टाइम नहीं लगा रहा, आगे चलते हैं। टिपिकल थोड़ा सा ये ये भी हम पढ़ चुके हैं। so, read this yourself. ये आपको खुद से समझ में आना चाहिए एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस तो ते अच्छा जी अब ये क्या है प्रणयामा ये एक योगा पॉस्चर है वो ऐसे बैठ जाता है बंदा और डीप से उसका हेड है यार अजीब मैं डायग्राम बना रहा हूँ so, उसके हाथ हैं और वो ऐसे आलती पालती मार के बैठा हुआ है डीप इंस्पायरेशन ले रहा है दैट

और इस टेबल में आप करो ये कि नंबर वन पे फॉर एग्जांपल लिखो वर्टिकल डायमीटर फिर लिखो वो किसकी वजह से होता है इट इज बिकॉज ऑफ डायफ्राम ठीक है और इसकी वजह से आ, होता क्या है जब डायफ्राम नीचे मूव करता है तो वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज करता है फिर इस तरह लिखो अगला क्या है जी ट्रांसफर्स uh, और इस इफेक्ट का नाम क्या था वर्टिकल वाले का दिस इफेक्ट वॉज नोन एज द पिस्टन इफेक्ट ठीक है ना तो ऐसा एक टेबल बनाओ खुद से फिल करो ट्रांसफर्स जो डायमीटर है दैट इज बिकॉज ऑफ द लिटल मूवमेंट ऑफ द रिप्स और इस इफेक्ट का नाम क्या था दैट वॉज कॉल्ड बकेट हैंडल इफेक्ट ठीक है ना तो बकेट हैंडल इफेक्ट तीसरा डायमीटर कौन सा था दैट वाज एन एंटीरोपोस्टीरियर डायमीटर एंटीरोपोस्टीरियर डायमीटर किसकी वजह से स्टर्नम की फॉरवर्ड मूवमेंट और रिब्स की फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह से है और इस इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया था पंप हैंडल इफेक्ट तो ये टेबल अगर आपको याद है तो सारे डायमीटर्स आपको याद सो दिस चैप्टर इस चैप्टर में हमने बोन्स तीन चार वीडियोज मैंने बनाई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जिसमें हमने सारी बोन्स डिस्कस कर ली आज की वीडियो में हमने ज्वाइंट्स और मूवमेंट डिस्कस कर ली आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज शेयर कीजिए अपनी कोलीग्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ य